दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो ये है कि किसी भी चुनाव में कोई भी दल जीतता है तो उसके कोई कारण होते हैं, और जो दल जीत रहा होता है उसके लिए कुछ जातीय धार्मिक समूह का जो गठबंधन है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल किसी भी प्रदेश में कैसे जीतता है उसका जो फार्मूला है उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, और वो भी हरियाणा विधानसभा चुनावों में। दोस्तों, कि जब किसी भी प्रदेश के दो बड़े जातीय समूह एक साथ आ जाते हैं तो जो दूसरे समूह होते हैं वो सोचते हैं कि इन दो बड़े जातीय समूह के इकट्ठे होने से, और ये जो 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 बड़े जातीय समूह हैं इस पार्टी के साथ लग गए हैं तो हमें भी इनके साथ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि हर एक कोई उस पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है जो चुनाव जीत रही हो या सत्ता में लौट रही हो। मैं इसको यदि विस्तार से कहूं तो मैं एक कहना ये चाहता हूं कि इस बार जो कांग्रेस का माहौल बताया जा रहा है कि हरियाणा में मतलब कांग्रेस अच्छे मार्जिन से अच्छी सीटें लेकर सत्ता में लौट रही है, तो आखिर उसका कोई ना कोई कारण तो है। और उसका सबसे बड़ा कारण जो हमें लग रहा है वो ये है कि हरियाणा में दो सबसे बड़े जातीय समूह कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं। यदि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग मतलब 21% दलित समुदाय था हरियाणा में, और अब 2024 हो गया है 21 के बाद, तो ये माना जा रहा है कि जो 21% 2011 में दलित समुदाय था अब वो बढ़कर 23-24 हो गया होगा। उसी तरीके से हरियाणा में जाट समुदाय कि जो जनसंख्या है वो कहीं 22-25% या 27% के बीच कहीं झूल रही है, और उसको आप कहीं भी मान लीजिए एवरेज 25 मान लीजिए, उसके आसपास माइनस प्लस मान लीजिए। तो हुआ क्या है कि ये दो जातीय समूह एक साथ आ गए हैं। अब आप जोड़ लीजिए कि इनके एक साथ आने से और कांग्रेस के साथ जुड़ जाने से ये प्रतिशत 45-50% के करीब पहुंच जाता है। इसमें आप मुस्लिम समुदाय 5% हम एवरेज मान लेते हैं, वो थोड़ा 1-2% ज़्यादा भी हो सकता है, 1-8% कम भी हो सकता है, हम एवरेज 5% मान लेते हैं। तो मुस्लिम समुदाय को भी दलित प्लस जाट प्लस मुस्लिम मान लीजिए, ये तीन समूह एक साथ हो गए। चौथा आप उसको मान लीजिए कि जिस उम्मीदवार को कांग्रेस टिकट दे रही है तो वो हर जाति का हो सकता है, उसमें वैश्य भी होगा, उसमें ठाकुर भी होगा, उसमें पिछड़ा वर्ग का भी होगा, यादव भी होगा, यानी ओबीसी के भी लोग होंगे, पंजाबी भी होंगे। तो उस तरीके से जो ये कम्बिनेशन जातियों का बना है वो भाजपा पर भारी पड़ता नज़र आ रहा है, और इसी जातीय कम्बिनेशन के कारण इस बार कांग्रेस भाजपा को पछाड़ती नजर आ रही है।
हम ये भी नहीं कहते कि जो बसपा इनेलो का गठबंधन है कुछ प्रभावी सीटों पर दलित और जाट वहाँ भी वोट डालेंगे, कुछ सीटों पर जहाँ जजपा और आजा समाज पार्टी का गठबंधन है कुछ दलित और जाट वहाँ भी जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ज़्यादातर इन जातियों के वोट कांग्रेस को मिलने जा रहे हैं। मुस्लिमों के वोट लगभग बड़ी संख्या में कांग्रेस को मिलने जा रहे हैं। पहले जहां पिछले 2014 से अब तक के चुनावों में आम तौर पर क्या रहा था कि भाजपा ने एक तो हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं को एक पक्ष में लाने की कोशिश की थी, जाट मतलब मुस्लिमों को एक तरफ छिटका दिया था, और हरियाणा में जो चाल चली थी वो ये थी कि जाट बनाम अदर्स यानी जाट वर्सेस नॉन जाट, यानी एक तरफ 20-25% जाट और बाकी 70-75% दूसरी जातियाँ। तो ये फार्मूला आरएसएस और भाजपा नेताओं का था जिसने पिछले कई चुनावों में लोकसभा के और विधानसभा के हरियाणा में जो चुनाव हुए वो बड़े प्रभावशाली ढंग से लागू हुआ, और उसका ही परिणाम था कि वर्षों बाद कोई गैर जाट हरियाणा में मुख्यमंत्री बना था और पंजाबी संभवतः कोई पंजाबी मनोहर लाल खट्टर के रूप में पहली बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था। लेकिन दोस्तों ये जो हालात हैं अब बदल गए हैं। अब बदल गए कैसे गए हैं मैं उसका भी आपको थोड़ा सा कारण बताता हूँ। यदि हम 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो 51% दलित भाजपा के साथ चला गया था और कांग्रेस के साथ मात्र 25% रह गया था। ये मैं आंकड़ों की बात बता रहा हूँ, ये मेरे बनाए हुए आंकड़े नहीं हैं, ये तो आंकड़ों की बात है। और 2019 के विधानसभा चुनावों में 39% दलित भाजपा के साथ चला गया और कांग्रेस के साथ मात्र 20% रह गया। यानी जो लोकसभा में 25% कांग्रेस के साथ आया था विधानसभा में मात्र 20% 2019 के चुनावों में दलित कांग्रेस के साथ रह गया। और मैं फिर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि 2019 के लोकसभा चुनावों में दलित 51% भाजपा के साथ गया और 2019 के विधानसभा चुनावों में 39% भाजपा के साथ गया, जबकि इसी क्रम में 25% कांग्रेस के साथ और 2019 विधानसभा चुनाव 20% कांग्रेस के साथ रह गया। लेकिन दोस्तों बदलाव कहाँ से आता है? बदलाव आता है 2024 के लोकसभा चुनावों से। जो लोकसभा चुनावों में 51% दलित भाजपा के साथ गया था वो 2024 के लोकसभा चुनावों में मात्र 24% भाजपा के साथ रह गया और 25% से बढ़कर 68% दलित कांग्रेस के खेमे में आ गया। तो ये मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि जो कम्बिनेशन बन रहा है हरियाणा में उसका कारण ये है कि दलितों ने जो पलटी मारी है वो कांग्रेस की तरफ मारी है, वो 68% कांग्रेस की तरफ आ चुका है और जो जाट भी छिटक गया था बट गया था पिछले चुनावों में, लेकिन इस बार जाट किसान पहलवान और जवान के नाम पर पूरी तरीके से एकजुट कांग्रेस और हुड्डा के खेमे में आ गया।
दलितों ने चौधरी उदयवान, कुमारी शैलजा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के कॉम्बिनेशन के कारण अपना वोट बैंक कांग्रेस के साथ जोड़ दिया है। यानी भारी तादाद में दलित और जाट कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं। और चूंकि ये विनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो अन्य जातियों के नेता भी, जातियों के समूह भी, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जिस कांग्रेस ने और जिन जातियों के, चाहे वो OBC का है, चाहे बनिया है, चाहे ठाकुर है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे महिला है, जो उनको जो टिकट दिए हैं, वो भी इस कम्बिनेशन में जुड़ जाते हैं। यही कारण है, यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस सभी के बयानों पर, सभी आकलन में और सभी जो जितने भी लोगों के बयान आ रहे हैं, पार्टियों के बयान आ रहे हैं, बुद्धिजीवियों के बयान आ रहे हैं, पत्रकारों के जो उन्होंने अंदाजे अपने लगाए हैं, प्री पोल कह लीजिए, कुछ भी उसको नाम दे दीजिए, तो उसमें जो है कांग्रेस को सभी बढ़त पे बता रहे हैं। कोई ऐसा पत्रकार नहीं है, कोई ऐसा जानकार राजनीति का नहीं है जो ये कह रहा हो कि भाजपा जीत रही है, और सभी ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस, जो मैंने कारण गिनाए हैं, उन कारणों के चलते कांग्रेस का जीतना, सत्ता में लौटना तय माना जा रहा है। उसमें सीटें कितनी भी हों, मैं उस पर, उस कॉम्बिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस की सीटें 50 से प्लस बताई जा रही हैं, और इस कॉम्बिनेशन के चलते पूरी तरीके से सत्ता में लौटती दिख रही है, ऐसा मेरा नहीं मानना है। सभी बुद्धिजीवियों, वरिष्ठ पत्रकारों, कई मतलब सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफार्म हैं और कई बड़े TV चैनलों का भी यही मानना है कि इस बार कांग्रेस का अपर हैंड है और 10 साल बाद कांग्रेस सत्ता में लौट रही है। दोस्तों, मैं एक बार फिर बहुत मजबूती के साथ इस जातीय कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया आपको, दोहराना चाहता हूँ कि ये क्यों और किस तरीके से हरियाणा विधानसभा के चुनावों में प्रभावी दिख रहा है। वो इसलिए कि जो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 47 सीटों पर दलित वोटर प्रभावी है, यानी उसकी तादाद चुनावों पर जीतने और हारने का फैसला करती है। उसी तरीके से 49 सीटों पर जाट समुदाय के वोटर जीत या हार का फैसला करते हैं, और जिस तरफ ये दोनों समूह यदि एक साथ आ जाएं, जातीय समूह एक साथ आ जाएं, तो उस पार्टी की जीत निश्चित रूप से तय हो जाती है। तो इस बार जो कांग्रेस का जीतने का फार्मूला है वो यही है, जाट प्लस दलित प्लस मुस्लिम और प्लस वह उम्मीदवार जिस जाति का है, उस जाति के वोट बैंक मिलकर आपस में कांग्रेस को जिताने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो मैंने आपके सामने मुद्दे में कारण गिनाए हैं कांग्रेस के सत्ता में आने के, आप उनसे कितने सहमत हैं, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैंने जो मुद्दे गिनाए हैं वो कितने सही हैं। यदि हम सही हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम यदि हम नहीं सही हैं
तो वो भी आप बताएं, जिससे कि हम अपनी गलतियां सुधार सकें। इसी के साथ मैं आज का अपना ये कार्यक्रम समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।